इस समय हम दिल्ली के अगस्त क्रांति मार्ग के काउंटिंग सेंटर पर हैं, जहां पर सुबह 11 फरवरी से जो है काउंटिंग शुरू करी जाएगी। 3 विधानसभा, मालवीय नगर विधानसभा, मेहरौली विधानसभा और छतरपुर विधानसभा की जो काउंटिंग है वो यहाँ पर होगी। अगर साथ ही साथ अगर सुरक्षा की बात की जाए तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है। जहाँ पर अगर आपको बताऊँ कि यहाँ पर आप देखिए जिस तरीके से पूरी तरीके से जो टीन की चादर है वो लगा दी गई है, दिल्ली पुलिस का जो जवान है वो मचान पर भी तैनात किया गया। साथ ही साथ जो डिवाइडर है, अगस्त क्रांति मार्ग है ये पूरा, इस रोड पर डिवाइडर पर भी जो टीन है वो लगा दी गई, यानी कि किसी तरीके से कोई अप्रिय घटना ना हो उससे निपटने के लिए दिल्ली पुलिस लगातार मुस्तैद है। और जिस तरीके से आम आदमी पार्टी लगातार ईवीएम पर सवाल उठा रही, तो यहाँ पर भी जितनी ईवीएम मशीन जिस रूम में रखी यहाँ पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं, लगातार पर जो आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता मौजूद हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि सीसीटीवी की मदद से भी यहाँ पर जिस तरीके सीसीटीवी कैमरे वहाँ पर लगाए गए हैं उससे भी निगरानी करी जा रही है, और दिल्ली पुलिस के जवान भी लगातार यहाँ पर बाहर हैं, किसी को भी बगैर आई कार्ड के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा है। जो काउंटिंग सेंटर आप मेरे पीछे देख रहे हैं, यहाँ पर 3 विधानसभा है, मेहरौली विधानसभा, मालवीय नगर और छतरपुर विधानसभा की 11 फरवरी को मतगणना करी जाएगी। सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी, जिसकी पल पल की रिपोर्ट जो है पंजाब केसरी आपको देता रहेगा। दिल्ली से राकेश सोनी, पंजाब केसरी टीवी के लिए।